हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर बहुत। तो आज हमारे पास ये KTM ड्यूक 390 का रेडिएटर है और ये कर रखा है लीक। तो हम इसको आपको दिखाएंगे, इसकी लीकेज कैसे रोकनी है आपको। और ये हमने मंगाई है एरल डाइट, तो ये मिक्स करके पेस्टिंग करनी है। और हमारा रेडिएटर कुछ लीक कर रहा है यहाँ से, तो ये किनारी है और यहाँ किनारी से भी लीक कर रहा है और ये साइड में भी है, तो साइड की पैकिंग होती है वो भी लीक कर रही है। तो हम उसको भी पेस्टिंग करेंगे और आपको आगे भी दिखाएंगे कैसे हमने पेस्टिंग करी है। तो आधा घंटा हम इसको छोड़ देंगे और कुछ देर हमने इसमें कूलेंट नहीं डालना है। जब ये थोड़ा सा पेस्टिंग हैवी हो जाएगी तो हम इसमें अपने कूलेंट डाल के बाइक पे चेक करेंगे, तो आपको आगे दिखाते हैं। तो हम इसको पेस्टिंग को करने जा रहे हैं मिक्स, और ये है हमारा पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी। तो पहले हम ए को इस पे नीचे निकालेंगे और उसके बाद आपको बी निकाल के दिखाएंगे। तो इसकी कैसे पहले कर लेता हूँ मैं इसमें एक छेद, मैंने इसमें एक छेद कर लिया है और एक करूँगा मैं इसमें। तो हमने ये जितनी ए वाली निकाली है उतनी हम बी वाली भी निकालेंगे इसमें। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा इसको बना के लगाने का, तो हम 5 मिनट के अंदर इसको करेंगे पेस्टिंग और साथ में करेंगे इसको साथ के साथ मिक्स। तो हमने ये पेस्टिंग मिला ली है और अब हम इसको लगाएंगे पेचकस से। और ये हमें इसको करना है कुछ इस तरह मिक्स, इसका कलर हो जाएगा चेंज। तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो ये हम कर रहे हैं इसको मिक्स। और ये हमारी पेस्टिंग हो चुकी है तैयार। और जब तक ये सेम कलर ना हो जाए दोनों पेस्टिंग मिलाने में, जब तक आपको इसको मिक्स करते रहना है और थोड़ी थोड़ी हार्ड भी हो जानी चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो हमारी ये पेस्टिंग हो चुकी है रेडी और अब हम इसको पेस्टिंग करेंगे रेडिएटर पे। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ इसकी किनारियों पे पेस्टिंग। और हमने करना है कुछ इस तरह से इसकी पेस्टिंग, देख रहे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है रेडी, को हमने कर रखी है चारों तरफ पेस्टिंग। तो हमारी बाइक काफ़ी देर से स्टार्ट है, कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने नीचे से पेस्टिंग करी है और चारों तरफ से पेस्टिंग कर रखी है हमने। और हमारा कूलेंट भी पूरा है और टेम्परेचर भी पूरा सही दिखा रहा है। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमारी KTM हो चुकी है कंप्लीट और हमारे राठी भाई साहब बाइक को लेके जाते हुए। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे राठी भाई साहब हमको मुस्कुरा के बोलते। तो राठी साहब बोलते हुए धन्यवाद। तो राठी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।